हमारे देश में कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जोरों शोर से चल रहा है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? इस हकीकत से कौन अनजान है? शहरों में इस अभियान की ज़मीनी हकीकत तो देखी जा सकती है, लेकिन गांव का क्या? इन लोगों को कौन समझाए कि बेटियां भी पढ़ लिखकर कुछ कर सकती? गांव में अभी भी पुरानी प्रथा ही पैर फैलाए हुए है, जो अब सिमटने का नाम नहीं ले रहा। सभी गैर प्रथाओं को चमेट मारते हुए एक और बेटी ने इतिहास रची है, जिसके बारे में जानने के बाद आपका सीना और भी चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। सब जानोगे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा के बारे में, जिन्होंने नारी जात को एक नई पहचान दिलाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। रोशनी नाडर मल्होत्रा का जन्म 1982 में दिल्ली में हुआ था। रोशनी ने क्लासिकल म्यूजिशियन की ट्रेनिंग भी कर रखी है। इन्होंने 2010 में ही शेखर मल्होत्रा, जो HCL के वाइस चेयरमैन हैं, इनसे शादी कर ली। इनके पिता का नाम शिव नाडर मल्होत्रा है, जो HCL जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी माता का नाम किरण नाडर है। रोशनी ने कॉलेज की डिग्री केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की। रोशनी ने HCL को ज्वाइन करने से पहले कई कंपनियों में काम कर चुकी हैं। वह हाल ही में HCL के चेयरपर्सन बनी हैं। रोशनी पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने IT सेक्टर की कंपनी की कमाल संभाली है। रोशनी विश्व के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन में इनकी रैंकिंग 54 नंबर पर है। रोशनी इंडिया की सबसे ज़्यादा अमीर महिलाओं की लिस्ट में भी पहले स्थान पर हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।